तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आने वाले समय में मतलब कि अगले साल तक आपको WWE न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। कोई एक नया सुपरस्टार जो चैंपियन बनते हुए दिखाई देगा, ये हो चुका है टीज। यही सुपरस्टार ने टीज कर दिया है, तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है। इस अपडेट को आप देख लेना। एंड ऑल्सो रॉक को लेकर एक अपडेट आई है। ये अपडेट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अपडेट रॉयल रंबल को लेकर है। रॉयल रंबल में एग्जैक्टली हमको रॉक आते हुए नहीं दिखाई देंगे, प्लान्स कुछ और हैं। तो एंड ऑल्सो WWE इस हफ्ते कुछ बड़ा टीज करने वाली है, मतलब कि टीज तो नहीं करने वाली बट बहुत बड़े बड़े चीज़ें होने वाली है इस हफ्ते LA के अंदर। तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बातों को शुरू कर लेते हैं हम सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को लेकर। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का फैन मोमेंट शेयर हुआ है भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इस वीडियो को देख लो जहाँ पे सेथ रॉलिंस अपने हूबहू फैन से मिलते हैं। ये जो फैन है भाई बहुत छोटा है, कितना क्यूट है, बट इस फैन ने पूरा अवतार ले लिया है सेथ रॉलिंस का। चश्मा, गॉगल्स वगैरह, जो अवतार है, जो एट्रीब्यूट्स वगैरह, सब कुछ सेथ रॉलिंस के हैं। कितना कमाल का लग रहा है ये। लाइव इवेंट का वीडियो निकल के सामने आया है एंड जहाँ पे सेथ रॉलिंस इसको अप्रिशिएट करते हैं थीम सॉन्ग वगैरह में, इसके साथ सेलिब्रेट वगैरह करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ लग रही थी। एंड इंटरनेट पे ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, इसी वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बताना बहुत सही रहेगा। तो आप देख लो बॉस, सेथ रॉलिंस के जो फैन मोमेंट्स हैं वो काफ़ी कमाल के जाते हैं। एंड जो छोटा सा क्यूट सा फैन है, इसका तो दिन ही बन गया। दिन नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट आती है WWE को लेकर। रेसलमेनिया के एक हफ्ते पहले कुछ बड़ा शो करने वाली है, शो नहीं, कुछ बड़े चीज़ें रिवील करने वाली हैं। इसको लेके प्रिपरेशंस अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएंगी, सॉरी अगले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने इंट्रो में आपको कहा था कि WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही है इस हफ्ते, तो यही एक प्लान है। ज़ैरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट आती है, ज़ैरो न्यूज़ PW इनसाइडर की तरफ से, इन दोनों की तरफ से, दोनों सोर्सेज की तरफ से अपडेट आती है जहाँ पे ये कहते हुए दिखाई देते हैं WWE इज़ प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। WWE इज़ प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। एंड आप यहाँ पे पूरा जो है देख सकते हो, यहाँ पे सोर्स का जो भी आर्टिकल है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप यहाँ पे देख लो। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि ये जो प्लान हो रहा है इस हफ्ते LA के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, ये प्लान बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते के अंदर, जो WWE छुपा के रखेगी अभी के लिए, सीक्रेट रखेगी अभी के लिए। उसके बाद जो है हमको मार्च के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी ये सब चीज़ें रिवील करते हुए दिखाई देंगे WWE, मतलब कि फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें जो है रिवील हो जाएंगी, जो अभी इस हफ्ते होने वाली हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट आती है रॉक को लेकर। पीपल चैंप रॉक को लेकर हम बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं, बहुत अपडेट आ रही हैं एंड ऑब्वियसली आएंगी क्योंकि ये मेगा सुपरस्टार WWE के अंदर आने के लिए फुल ऑन रेडी हो चुका है। एंड इसके पीछे प्लान्स शुरू हो चुके हैं, प्लान्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं रॉक को लेकर, रॉक एंड रोमन को लेकर स्पेशली। एंड इसके पीछे एक और प्लान सामने निकल के आया है जहाँ पे PW इनसाइडर वाले कहते हुए दिखाई देते हैं इनका आर्टिकल। ये कहते हैं कि इनके सिवा, मतलब कि रॉयल रंबल के रिटर्न के सिवा भी बहुत सारे प्लान्स हैं WWE के पास, जो रोमन को भिड़ाएंगे इनके साथ, रॉक के साथ। तो ये कुछ मल्टीपल्स प्लान देखने को मिल रहे हैं। पहला प्लान तो मैंने बता दिया है कि रॉयल रंबल में एंट्री होगी, जीतेंगे, वो एक प्लान है। एंड सेकंड प्लान है गाइस, रोमन रेंज जब रेसलमेनिया के अंदर मैच लड़ेंगे, मतलब कि दो दिन लड़ रहे हैं वो मैच, जहाँ पे डे वन पे मैच लड़ेंगे, जहाँ पे रॉक आते हुए दिखाई देंगे, कन्फ्रंट करेंगे रोमन को, एंड डे टू पे इनकी मैच होगी, ये कुछ स्पेकुलेट किया जा रहा है। एंड ये भी कहना है कि रॉयल रंबल में जब रोमन की अगर मैच होती है हेल इन अ सेल के अंदर, वहाँ पे भी आपको रॉक कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन को। एंड इनकी मैच से जो है हमको रॉयल रेसलमेनिया के अंदर बुक होते हुए दिखाई देंगी, जहाँ पे रॉक हमको रॉयल रंबल में कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। अब ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि अचानक से जब समझो कि रोमन की मैच चल रही है केविन के साथ, केविन ओन्स के साथ, एंड अचानक से थीम सॉन्ग बजेगा रॉक का एंड रॉक वहाँ से आएंगे, तो ये जो क्रेजी मोमेंट होगा भाई, ये काफ़ी तगड़ा होगा। एंड सेम रॉयल रंबल में भी होगा, जहाँ पे रॉयल रंबल में मेंस रॉयल रंबल मैच होगी, 30 नंबर पे कौन आएगा जब आपको रॉक का थीम सॉन्ग बजेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी थिंग होगी। दोनों चीज़ें बहुत तगड़ी लग रही हैं मुझे, दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ हो जाए बहुत मज़ा आएगा। हाँ, रेसलमेनिया की जो चीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए, रेसलमेनिया डे वन पे आएंगे कन्फ्रंट होगा, डे टू पे मैच होगी, ये सेंस नहीं बनाता है, तो वो चीज़ें ना हो। रॉयल रंबल में होगी, बिल्डअप होगा रॉ में, स्मैकडाउन में हमको रॉक आते हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत मज़ा आएगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट को लेकर, जो कि
जाती है न्यू WWE चैंपियन को लेकर। अगले साल तक ये बंदा आपको चैंपियन बनते हुए दिखाई देगा, ये खुद से ही कहा इस बंदे ने। इस सुपरस्टार का नाम है रिकोशे, जी हाँ रिकोशे, जो कि काफी तगड़े हैं। अभी अभी हाल ही फिलहाल स्मैकडाउन का वर्ल्ड कप जीते हैं। इन्होंने रिवील किया है कि ये खुद बनेंगे। एक इनका फैन ट्वीट करके इनको कहता है कि देखो ये जो टाइटल है ये तुम पे बहुत ज्यादा सूट करता है, ये टाइटल आपके खांदों के ऊपर काफी अच्छा लगता है, क्योट करके बताई थी। क्योट करके बताने के बाद जो है रिकोशे का रिप्लाई आता है, हाँ ये सच में मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, ये कुछ इन्होंने रिप्लाई किया। तो देख लो रिकोशे आने वाले समय में चैंपियन बन सकते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह रहा, ना ही WWE कह रही है, ना कोई सोर्स कह रही है, ये खुद रिकोशे कह रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आज के वीडियो के अंदर। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा था, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।